हेलो फ्रेंड्स, आज हम नाड़ी शोधन प्राणायाम के बारे में जानने वाले हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम यानी कि नाड़ी का क्लींजिंग, नाड़ी का शुद्धिकरण। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ होती है जिनमें प्राण वायु एनर्जी घूमती रहती है। अगर यह सभी नाड़ी बिना रुकावट के चलती रहे तो हमारा शरीर तंदुरुस्त रहता है, इसमें प्राण वायु अच्छी तरीके से फ्लो होता रहता है, हमें कोई तकलीफ नहीं होती है, हमारा मन शांत रहता है और हमारा शरीर भी शुद्ध रहता है। पर अगर इनमें से कोई भी नाड़ी में रुकावट आती है, ऑब्स्ट्रक्शन आता है, तो हमारा शरीर दुरुस्त होने लगता है। जिस पार्ट में नाड़ी ऑब्स्ट्रक्टेड हुई है उस पार्ट डैमेज होने लगता है, इसलिए नाड़ी का शुद्धिकरण होना बहुत ही ज़रूरी है। तो यह नाड़ी का शुद्धिकरण हम नाड़ी शोधन प्राणायाम से कर सकते हैं। तो आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम एक्सरसाइज के बाद, कोई भी आसन करने के बाद और प्राणायाम या तो ध्यान के पहले आपको करना है, तो आपको काफ़ी हद तक फायदा होगा। आपका मन शांत हो जाएगा, आपके शरीर के बहुत सारे रोग भी गायब हो जाएंगे। आपको शारीरिक फायदा तो होगा ही, इनके अलावा आपको मानसिक फायदा और आध्यात्मिक फायदा भी होने लगेगा नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से। तो आज हम पूरी डिटेल में नाड़ी शोधन प्राणायाम के बारे में जानेंगे। दोस्तों, नाड़ी शोधन प्राणायाम बेसिक से लेके एडवांस तक हो, इसलिए एक ही वीडियो में सभी चीज़ कवर करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने यह नाड़ी शोधन प्राणायाम को अलग अलग वीडियो में डिवाइड किया है। नाड़ी शोधन प्राणायाम 4 लेवल में होता है, पहले बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक होता है। तो आज हम LEVEL-1-BASIC लेवल के बारे में जानेंगे। यहाँ पर आपको खास ध्यान में रखना है कि आपको डायरेक्टली दूसरे लेवल पे नहीं जाना है, पहले एक लेवल में मास्टरी आने के बाद ही आपको दूसरे लेवल पे ट्रांसफ़र होना है, यह खास ध्यान में रखना है। आपको एक लेवल में 15 दिन से लेकर 20 दिन या तो महीने तक अभ्यास करना है, उसमें मास्टरी आने के बाद आपको फिर आगे बढ़ना है, तो ही आपको इनका फ़ायदा मिल सकता है, आपको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक फायदा मिलेगा। तो आज हम जानेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम का LEVEL-1, जिनमें 2 तकनीक है। यह दोनों तकनीक को आपको अभ्यास में लाना है 15 दिन से लेकर 20 दिन तक। इनके लिए आपको कोई भी आसन में बैठ जाना है, सुखासन, सिद्धासन, सिद्ध योनि आसन या तो फिर पद्मासन, पर ऐसा आसन आपको पसंद करना है जिसमें आपका शरीर अच्छी तरीके से कंफर्टेबल रह पाए, शरीर के ऊपर कोई भी स्ट्रेन ना पड़े। यहाँ पर मैंने सुखासन आसन पसंद किया है क्योंकि यह मेरे लिए कंफर्टेबल है। आपको कोई भी आसन में बैठ जाना है, कमर को सीधी रखनी है, गर्दन को थोड़ा सा आगे की ओर झुका के रखना है, अपनी आंखें बंद कर लेनी है, फिर अपने श्वास की गति को नॉर्मल करना है, अपने ध्यान को श्वास के ऊपर लगा देना है, कैसे श्वास आता है, कैसे श्वास निकलता है, उनके ऊपर अपने ध्यान को लगाना है। इनके बाद अपने राइट हैंड की मिडल और इंडेक्स फिंगर को भूमध्य बिंदु यानी कि 2 आईब्रो के बीच वाले बिंदु पे रख देना है। थंब को राइट नोस्ट्रल नासिका के ऊपर और रिंग फिंगर को लेफ्ट नोस्ट्रल लेफ्ट नासिका के ऊपर रखना है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर हम यह उंगलियों से नासिका को दबा सकें। फिर आपको श्वास की शुरुआत हमेशा लेफ्ट नासिका से ही करनी है। यहाँ पर आपको खास यह ध्यान रखना है कि आपको अपने श्वास की गति पर ध्यान रखना है, आपके श्वास की गति नॉर्मल रहनी चाहिए, ज़्यादा जल्दबाजी में भी नहीं और ज़्यादा धीमी भी नहीं, और आपको श्वास की लंबाई पर भी ध्यान रखना है, श्वास की लंबाई भी लेने में और छोड़ने में इक्वल होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। यहाँ पर हम शुरुआत में श्वास की लंबाई 5 काउंट में रखेंगे। यहाँ पर मैं ऐसे हाथ से 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे इशारा करूँगा,
यानी कि पांच काउंट में श्वास ले रहे हैं, पांच काउंट में श्वास छोड़ रहे हैं। यहाँ पर श्वास को आपको रोकना नहीं है। शुरुआत में लेफ्ट नासिका से श्वास पांच बार लेना है, पांच बार छोड़ना है, फिर लेफ्ट नासिका को बंद करना है, राइट नासिका से पांच बार श्वास लेना है, श्वास छोड़ना है। इस तरीके से हम दोनों नासिका से पांच बार श्वास लेंगे तो उनको एक आवृत्ति बोलते हैं, एक राउंड बोलते हैं। इस तरीके से आपको बेसिक लेवल में 25 राउंड करने हैं 15 दिन से लेकर 20 दिन या तो एक महीने के लिए। तो हम देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको करना है। स्पाइन सीधा, गर्दन थोड़ी झुकी हुई, श्वास पे ध्यान लगाना है, दो उंगलियों को भूमध्य बिंदु पे रखना है। अभी राइट नासिका को बंद कर देना है, लेफ्ट नासिका से श्वास लेना है, छोड़ना है, पांच काउंट में श्वास लेना है, पांच काउंट में श्वास छोड़ना है। फिर लेफ्ट नासिका को बंद कर देना है, राइट नासिका से श्वास को लेना है, छोड़ना है। तो यह एक राउंड हो गया है। यहाँ पर आपको हाथ को ऐसे नहीं करना है, यहाँ पर मैं आपको बताने के लिए हाथ की मूवमेंट कर रहा हूँ। आपको हाथ को घुटनों पर रख सकते हो या तो फिर कोई भी मुद्रा लगा के रख सकते हो, ज्ञान मुद्रा इनके लिए बेस्ट मुद्रा है। तो दोस्तों यहाँ पर नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से पहले आपको कई चीज़ करनी है, बहुत सारी एक्सरसाइज कर सकते हो या तो आसन कर सकते हो, इनका अलग से वीडियो हमने बनाया हुआ है। और प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है वह वीडियो भी हमने बनाया हुआ है। तो पहले आप नाड़ी शोधन प्राणायाम की शुरुआत करो, उनसे पहले यह सब चीज़ों का खास ध्यान रखना है, तो इनके लिए आप हमारा वह वीडियो खास देख लीजिए। दोस्तों यहाँ पर नाड़ी शोधन प्राणायाम बेसिक लेवल का यह एक तकनीक हो गई, इनको आपको 25 राउंड करना है। इनके बाद आपको दूसरी तकनीक साथ में ही कर देनी है। इनके लिए आपको एक बार नासिका से श्वास लेना है, फिर दूसरी नासिका से निकालना है। इस तरीके से पांच बार एक नासिका से लेना है, दूसरी नासिका से निकालना है, फिर पाँच बार होने के बाद दूसरी नासिका से श्वास लेना है, फिर लेफ्ट नासिका से निकालना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से निकालना है, ऐसे भी आपको पांच बार करना है। तो यह एक राउंड होगा, ऐसे आपको पांच राउंड करना है। तो देख लेते हैं कैसे करना है। फिर आपको राइट नासिका से लेना है और लेफ्ट नासिका से निकालना है।
ऐसे भी आपको 5 बार करना है। तो यह हो गया 1 राउंड, ऐसे आपको 5 राउंड करना है। पहली तकनीक 25 राउंड करना है, दूसरी तकनीक आपको 5 राउंड करना है। ऐसे आपको 15 दिन से लेकर 20 दिन या तो 1 महीने के लिए करना है, फिर आपको दूसरे लेवल पे काम करना शुरू कर देना है। तो दोस्तों यह हो गया नाड़ी शोधन प्राणायाम का बेसिक लेवल। थैंक यू।